नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7 ना सामाजिक विज्ञान विषयना पाठ नंबर 9 18मी सदीना राजकीय शासकों ना स्वाध्यायनु संपूर्ण सॉल्यूशन જોઈશું। प्रश्न नंबर 1, नीचेना प्रश्नोना एक बे वाक्यमा उत्तर आपो। पहलो सवाल, बंगाळना प्रथम नवाबनु नाम શું હતું? उत्तर, बंगाळना प्रथम नवाबनु नाम सिराज उद्दौला હતું। बीजू, रणजीत सिंह कया शीख समूह माथी आवता हता? उत्तर, रणजीत सिंह सुकरचकिया नामना शीख समूह माथी आवता हता। त्रीजो सवाल, पानीपत नु त्रीजो युद्ध कोनी कोनी वच्चे थयो हतो? उत्तर, पानीपत नु त्रीजो युद्ध मराठाओ अने ईरान ना शाह अहमद शाह अब्दाली वच्चे थयो हतो। चौथो सवाल, जयपुर नी स्थापना कोणे करी हती? उत्तर, जयपुर की स्थापना राजा सवाई जयसिंह करी हती। त्यार पछी जो ये प्रश्न नंबर 2, नीचेना प्रश्नों मुद्दासर उत्तर आपो। पहलू, 18मी सदीना भारतनी राजकीय स्थितिनो चितार आपो। उत्तर, 18मी सदी भारत माटे अनेक राजकीय उथलपाथल वाली हती। ईस्वीसन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेबनु अवसान थयुं। ए पछीना शासकों की निर्बलता ने कारण भारत में नाना नाना राज्यनो उदय थयो। औरंगजेबना अवसान पछी मुगल गादी पर बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुक सियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम बीजा वगैरह शासकों आव्या। आ बद्दा शासकों मुगल गादी ने साचवी शक्या नहीं। अंग्रेजों बक्सरना युद्ध में शाह आलम बीजा ने हरावी तेने कंपनी नो पेन्शनर बनावी दीधो। ईस्वीसन 1757 में अंग्रेजों बंगाळना नवाब सिराज उद्दौला ने प्लासीना युद्ध में हरावीने बंगाळ में कंपनी नो शासन स्थाप्यू। परिणामे बंगाळमां नवाबना शासनो अंत आव्यो। शीख समूहना शक्तिशाळी नेता रणजीत सिंहे पंजाबमां शीख साम्राज्यनो विस्तार कर्यो हतो। रणजीत सिंहना अवसान पछी अंग्रेजोए ईस्वीसन 1849 शीख साम्राज्यने ब्रिटिश साम्राज्यमां भेळवी दीधुं। आम 18मी सदीमां भारतनी प्रादेशिक सत्ताओ लांबा समय सुधी शासन करी शकी नहोती, तेथी भारतमां ब्रिटिश शासकोने सत्ता जमावामां मोकळुं मैदान मळी गयुं। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, पेशवा बाजीराव प्रथमनी सिद्धिओ जणावो। पेशवा बाजीराव प्रबळ योद्धा, चतुर राजनीतिज्ञ, निडर, होशियार अने महत्वाकांक्षी हता। तेणे अनेक मुगल प्रदेशों जीती लई मराठा साम्राज्यनो विस्तार कर्यो हतो। तेमणे माळवा, गुजरात अने बुंदेलखंड जीती लीधा हता। हैदराबादना निजामने पण हराव्यो हतो। तेणे जंजीराना सिद्धिने हरावी अने तेनी पासेथी केटलाक किल्लाओ मेळव्या हता। आम पेशवा बाजीराव प्रथमे महाराष्ट्र ने एक महान मराठा साम्राज्य में फेरवी दीधुं। तेणे पोतानी कुनेथी राज्य में शांति अने सलामती जाळव्या हता। आ बधी सिद्धिओने कारणे ते मराठा इतिहास में महान पेशवा तरीके ओळखाय छे। त्यार पछी जोईए त्रीजू, सवाई जयसिंहनुं विज्ञान क्षेत्रे प्रदान स्पष्ट करो। उत्तर, राजा सवाई जयसिंह कुशाग्र राजनेता, सुधारक, कायदाविद अने विज्ञान प्रेमी हता। तेमणे जयपुर शहरनी स्थापना करी हती। તેઓ મહાન ખગોળશાસ્ત્રી હતા। તેમણે દિલ્હી, જયપુર, ઉજ્જૈન અને મથુરામાં આધુનિક વૈદ્યશાળાઓની સ્થાપના કરી હતી। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો સવાલ, મુગલ ઘરાનાના અંતિમ શાસકોના નામનો ચાર્ટ તૈયાર કરો। એમાં પહેલું છે બહાદુર શાહ પ્રથમ, જે ઈસવીસન 1707 થી 1712 સુધી રહ્યો હતો। ત્યાર પછી છે જહાંદર શાહ, જે 1712 થી 1713 સુધી। ત્યાર પછી છે ફરુક સિયર, જે 1713 થી 1719 સુધી। ત્યાર પછી મોહમ્મદ શાહ, જે 1719 થી 1748 સુધી। ત્યાર પછી અહમદ શાહ, 1748 થી 1754 સુધી। ત્યાર પછી આલમગીર દ્વિતીય, 1754 થી 1759। ત્યાર પછી શાહ આલમ દ્વિતીય, 1759 થી લઈ અને 1806 સુધી। ત્યાર પછી અકબર બીજો, એ 1806 થી 1837। અને ત્યાર પછી બહાદુર શાહ જફર દ્વિતીય, એ 1837 થી 1857 સુધી। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને સાચો ઉત્તર લખો। એમાં પહેલું, ઈસવીસન 1707 નીચેનામાંથી કયા મુગલ બાદશાહનું અવસાન થયું? તો અહીં જવાબ આવશે વિકલ્પ ડી, ઔરંગઝેબ। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, નીચેનામાંથી કયા શીખ સરદારે મુગલો વિરુદ્ધ બળવો કર્યો હતો? તો અહીં જવાબ આવશે બંદા બહાદુર। ત્યાર પછી ત્રીજું, ભારતમાં કોણે વેદશાળાની સ્થાપના કરી? તો જવાબ આવશે સવાઈ જયસિંહ। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, નીચેનામાંથી પ્રથમ પેશવા કોણ હતા? તો જવાબ આવશે વિકલ્પ એ, બાલાજી વિશ્વનાથ।
मित्रों आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं आपणे एक बीजा पाठना स्वाध्यायना संपूर्ण सॉल्यूशन साथे।